Hey guys, what's up? It's DC here. Welcome back to another gameplay video. और आज हम वापस से करने वाले हैं शंटिंग एट गुवाहाटी। तो गाइस देखो यार, ना तो हमारे पास कोई टास्क है और ना ही कोई ऑर्डर्स हैं। बट बैकग्राउंड देखो भाई, क्या ही ट्रैफिक हो रखा है हमारे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। कोई ICF पुराने अवतार वाली जो राजधानी एक्सप्रेस होती थी, ये राजधानी नहीं होगी, कोई AC होगी, AC एक्सप्रेस गाइस गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर किसी ट्राई कलर WDG 4D के साथ अराइव कर रही है। और यहाँ पर हमें दिया गया है सिलीगुड़ी शॉर्टकट WDG 4, जिसका रोड नंबर है 439। अब मुझे नहीं पता कि इस नंबर का WDG 4 होगा या नहीं, बट उस बात पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो यार, शंटिंग अगर आज हमें करनी है ना, तो हमको जो दिए जाएंगे गाइस वो शंटिंग सिग्नल्स दिए जाएंगे। अब इस गेम में शंटिंग सिग्नल कौन से होते हैं, अगर तुम्हारे पास इनकी नॉलेज है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो मैं थ्रू आउट द वीडियो देता रहूँगा। तो अभी तो देखो यार, मैं टैब भी प्रेस करूँगा ना, तो मुझे कोई भी शंटिंग सिग्नल आगे, यार ये जो मेरा सिग्नल है ना उस पर नहीं दिख रहा है। ये छोटा वाला दिखाता हूँ, इसके नीचे वाले सिग्नल देख रहे हो जिसके ऊपर एरो बना है, इसमें ना एक वाइट लाइट जल जाती है। वैसे देखो यार, ये EOG कितना बढ़िया साउंड कर रहा है यहाँ पे। तो चलो इस ट्रेन को जाने देते हैं गुवाहाटी में। हम चलते हैं सीधा अपने यार्ड में, जहाँ से हमें एक रेक उठानी है। तो थोड़ा सा पहले मैं यहाँ पे हॉर्न बजाता हूँ बढ़िया सा। तो भाई देख सकते हो आज ना साउंड वर्क, जी हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, जो कि नॉर्मल आप एक ही ट्रेन के एडवांस में देखते हो या सुनते हो। तो देखो यार, थोड़ा सा ना इसको भी मैं ऑन रखता हूँ अपने हर्ट्स को, ताकि मुझे यार पता चलता रहे कि मेरी ट्रेन का क्या स्टेटस है, क्या पावर लगी है और क्या स्पीड हो रखी है। शंटिंग करेंगे तो थोड़ी प्यारी सी स्पीड में हमें करनी पड़ेगी, ज़्यादा स्पीड में हम अपनी ट्रेन को नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, और ट्रेन से मेरा मतलब है लोकोमोटिव को। और गाइस कोई ना ICF ट्रेन, वो राजधानी अराइव कर रही थी, और ये कोई ICF ट्रेन है जो कि डिपार्ट कर रही है गुवाहाटी से। एंड गाइस, गुवाहाटी के यार आगे कहाँ जाती है ये पटरी, मैं भूल गया, तुम लोग मुझे याद दिलाओ। डिब्रूगढ़ के लिए जाती है शायद। सो गाइस, ये जो ट्रेन है ये डिब्रूगढ़ के लिए जा रही होगी। गाइस मुझे नहीं पता अगर ये डिब्रूगढ़ के लिए जा रही होगी, क्योंकि भाई देखो, मेरा तो ये टास्क है कि मुझे WDG 4 को ऑपरेट करना है, और ये जितनी भी यहाँ पर ट्रेन्स हैं, मतलब सारी मैं नहीं शंट करने वाला हूँ, आधे घंटे का मैं गेम प्ले करूँगा, आधे घंटे में जितना भी मैं टास्क कर सकता हूँ उतना हम करेंगे। और हमसे मेरा मतलब है तुम चुपचाप बैठ के देखोगे, क्योंकि तुम्हें ना ट्रेन का, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो तुम्हें चलाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। तुम भी फिर किसी को उड़ाओगे और फिर जो पुलिस वाले हैं वो मुझे उड़ाएंगे, तो ना मुझे अच्छा लगेगा ना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो शांति से बैठे रहो, बोलने का काम मेरा है और इसे भाई ऑपरेट करने का काम भी मेरा ही है। और पहले तो मैं भाई WDG 4 को यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूँ, क्योंकि पीछे देखो रेक खड़ी है, और उसको हम यहाँ पर जो है कपल करेंगे, अटैच करेंगे अपने लोकोमोटिव से। और देख सकते हो यहाँ पे जो गुवाहाटी का गाइस साइडिंग है ना, जो यार्ड है वहाँ पर ये कौन सा लोकोमोटिव खड़ा है, NFR का है। अच्छा, NFR ये जोन हुआ। सो गाइस, न्यू गुवाहाटी शर्ट का ये WDG 3 है, और ये छगिंग की साउंड कहाँ से आ रही है, क्या बात है गाइस। इधर देखो 11494 और पीछे इसके है 11386, दोनों एल्को हावड़ा शर्ट के किसी ट्रेन के साथ, जो कि है कोई पेट्रोल टैंकर ट्रेन है, BTPN ट्रेन जिसको कहा जाता है, ये जो मॉडल है वो BTPN है। और देखो ये गुवाहाटी की तरफ जा रही है, तो इसे जाने देते हैं, हमारा टास्क हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये मेरी ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है, ICF पार्सल कोचेस में लगाए गए हैं, पीछे शायद गए प्रॉपर एक कोचेस लगे होंगे जिसमें पैसेंजर्स लोग ट्रैवल करते हैं। यार मैंने पावर तो लगा दी बट अपने ब्रेक्स को रिलीज़ नहीं किया था, और अब यहाँ पर पावर को पूरा डाउन कर देता हूँ। और गाइस इस वाली विंडो को ऑफ़ करके ना इसको ऑन करता हूँ, तो इसमें ना थोड़ा और मुझे प्रोफेशनलिज्म आएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा, वरना ये देखो कितनी क्लोज लाके मैंने WDG 4 को स्लो डाउन किया है। यार थोड़े बहुत तो मतलब इसकी अब जानकारी हो गई होगी ना, कि कहाँ ले जाके अपने लोगों को रोकना है, पावर कितनी लगानी है। ये देखो कितने प्यार से यहाँ पे इनका मिलन हुआ है, इन दोनों की कपलिंग हमने यहाँ पे कर ली है। तुमसे मैंने क्या कहा था, चुपचाप बैठना है, तो अब इस WDG 4 के कैब में बैठे रहो। मुझे नहीं पता अगर इसमें AC होगा नहीं होगा, AC होगा तो चलो ठीक है, नहीं भी होगा तो कोई नहीं। वैसे ऊपर देख रहे हो भाई धूप। इस मालगाड़ी को हम जाने देते हैं, मैं अपने रिवर्सर को यहाँ पे ठीक करता हूँ, फॉरवर्ड में लगा लेता हूँ, और अपनी अभी मैं ट्रैक्स को प्रॉपर करता हूँ, जो कि यार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गाइस ये जो मैंने ट्रेन को अभी कपल किया है ना,
मुझे इस ट्रेन को गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगाना है, और अगर यहाँ देखोगे गुवाहाटी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ऑलरेडी कोई ट्रेन खड़ी हुई है। अब वो कौन सी है मुझे नहीं पता, बट इसका डिपार्चर जल्दी ही हो जाएगा अगर हमें वहाँ लगना है। वैसे ये विंडो देख रहे हो रेलवर्क्स की गाइस, ये विंडो ना सीरियसली भाई ऐसा फील देती है कि तुम ना कोई स्टेशन मास्टर बने पड़े हो और अपनी सीट पे बैठ के मजे से रेलवेज को ऑपरेट कर रहे हो। पूरे तो नहीं, मतलब जिस भी तुम्हें जगह पे असाइन किया गया होगा जॉब करने के लिए। और भाई ये देखो WDG4 लोकोमोटिव के अंदर का कैब कितना शानदार है। AK ट्रेन्स का ये मॉडल है। इससे पहले जो मैंने शंटिंग ड्यूटी की एक अपनी वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इसी को यूज़ किया था, तो मैंने सोचा यार आज भी WDG4 को यूज़ करते हैं। और चलो भाई अब मैं तुम्हें ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, उस ट्रेन को मैं आने देता हूँ। जब वो हमसे यहाँ पर क्रॉस कर चुकी होगी और स्टेशन से थोड़ा बाहर चली जाएगी उसके बाद मैं स्टेशन में एंट्री कर पाऊंगा। तो गाइस यहाँ पर मैं रेलवे स्टेशन के अंदर आया हूँ ना, तो यहाँ देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जो गाड़ी खड़ी है, नहीं 4 पर नहीं 5 पर, कोई हमसफर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं आया इसको यहाँ से निकलने का सिग्नल दे दिया गया, तो चलो ये बढ़िया बात है, ये जैसे ही इसको क्लियर कर देगी उसके बाद हमारी ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म पर लगाने का जो है परमिशन दे दी जाएगी। तो क्या कहते हो इसका सीन, यहाँ से देखना चाहोगे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर या अपने लोकोमोटिव पर वापस चले? चलो थोड़ा सा यहाँ से भी देखो, थोड़ा वहाँ से भी देखो, हर एक के मज़े लो। और पीछे देख सकते हो कोई मालगाड़ी खड़ी हुई है यार, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है शायद। एक्चुअली गाइस दिक्कत क्या है ना यार इस रूट में, अभी यार ये ना बीटा स्टेज में है, तो जो साइडिंग्स हमें प्रोवाइड की गई हैं गुवाहाटी पे, साइडिंग्स आई मीन जो मार्कर्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के किए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म लाइन की जो इधर वाली लाइन है ना, अब इसको मैं एक तरह से साइडिंग में कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो लाइंस हैं इसके ऊपर कोई भी मार्कर नहीं है, तो मैं इस लाइन पर कोई भी ट्रेन को स्टॉप नहीं करवा सकता हूँ। मुझे ना चाहकर भी जो मालगाड़ी है ना उसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगाना पड़ा, जो कि बहुत ही रेयरली होता है और इस बड़े स्टेशन पे तो बहुत ज़्यादा। तो देखो हमसफर का यहाँ पे भाई EOG आ चुका है, चलते हैं अपने कोच पर। यहाँ भाई ये हमसफर स्टेशन से बाहर आ रही है अपने ही अलग अंदाज में, ये जैसे ही थोड़ा सा और आगे चले जाएगी तो गाइस मेरे पास ना थोड़ा और ज़्यादा एरिया होगा। ये गाइस जैसे ही आगे चली जाएगी ना तो हम इसकी ट्रैक पर जाने वाले हैं जिस ट्रैक से ये अभी निकल रही है। अभी चाहूँ तो मैं आगे ले जा सकता हूँ। और देखो एक माइनस पॉइंट दिखाऊँ, अभी जैसे मैंने तुम सभी को बताया कि ये बीटा स्टेज में है रूट, तो अभी अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा सा अपने कैमरा मैन को मैं नीचे लेके आता हूँ, तो यहाँ देखो इस यहाँ यार्ड में ना गाइस एक भी छोटा सा शंटिंग सिग्नल नहीं है। देखो सारी लाइन ऐसे ही खाली पड़ी हैं, कहीं भी आपको सिग्नल नहीं दिया गया है। तो ये मुझे यार काफ़ी मतलब बुरा लगा कि यार होना चाहिए था, एकदम आप वो कर सकते थे जो इसके ऑथर हैं इस रूट के, बट मुझे लगता है यार शायद अगले अपडेट में हमें वो देखने के लिए मिल सकते हैं, तो होप करते हैं मिल जाए। क्योंकि गाइस जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है ना जगह जगह पर आपको छोटे मोटे ये सिग्नल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और पहले यार मैं बातचीत करता रहूँगा, पहले ना मैं अपनी लाइन को प्रॉपर कर दूँ यहाँ पर, वरना क्या होगा ना ये ट्रेन सीधे उधर आती रहेंगी और हमारी ट्रेन को मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगा ही नहीं पाऊंगा। रिवर्सर मेरा आगे है, ब्रेक्स मेरे पूरे रिलीज हैं, एक हॉर्न मैं गाइस यहाँ पे बजा दूंगा। भाई इतना शानदार हॉर्न है ना, मतलब घुराने वाले हॉर्न रहते हैं यार मेरे लोकोमोटिव में कभी कभी। इस लोकोमोटिव को सिलीगुड़ी छोड़ गया ना साबरमती का होना चाहिए था, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूँ, जो साबरमती शेड के लोकोमोटिव्स होते हैं, मैं EMD की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर आप कभी भी देखना गिर लॉयंस का स्टिकर लगा रहता है, तो जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही भाई जब ये EMD लोकोमोटिव अपना हॉर्न बजाते हैं ना, ओहो गजब। तो चलो अब यार्ड से अपनी ट्रेन को बाहर निकालते हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पर और पावर लगा देता हूँ, क्योंकि भाई पहले तो लाइट इंजन था, लाइट इंजन तो रॉकेट से कम नहीं है, और उसे तो थोड़ी सी पावर दोगे वो भाग जाएगा, बट पीछे अगर गाड़ी लगी पड़ी है तो थोड़ा तो दम निकलेगा ही। 25% गाइस काफ़ी है यहाँ पे पावर। और जैसा मैंने बताया था भाई, देखो शंटिंग होगी ना तो जो हमें स्पीड दी जाएगी वो बहुत ही कम मिलेगी, 15 की यहाँ पे स्पीड दी गई है, बट ये जब मैं स्टेशन के अंदर चला जाऊँगा तो गाइस ये जो स्पीड लिमिट होगी ना वो बढ़ जाएगी। अब यार 15 के क्लोज जा रही है ना ट्रेन, तो थोड़ी सी पावर यहाँ पे मैं डाउन कर देता हूँ।
और आज की वीडियो में ना तुम लोग एक चीज और नोटिस करोगे, यानी हॉर्न की आवाज कहां से आ रही है। तो गाइस एक बढ़िया चीज और दिखाता हूँ, ये देखो यार, अपने इस वाले हर्ट्ज को थोड़ा सा ऑफ करते हैं और पीछे से ना कोई और ट्रेन भी आ चुकी है जो कि गुवाहाटी में एंट्री कर रही है। मतलब भाई ट्रैफिक तो ऐसा है ना आज के सिनेरियो में, तुम सभी को मजा आएगा। देखो स्टार्टिंग में पैरेलल हुआ, उसके बाद आई थिंक कि हमारा सेकंड पैरेलल चल रहा है और मुझे नहीं पता अभी मैंने कितने और पैरेलल्स इसमें ऐड किए हैं। और लोकोमोटिव यार पूरी ट्रेन को भी यहाँ पे नहीं रोकना है, तो तुम अपनी 13% की थ्रॉटल पावर लगा के रखो। और गाइस देखो यार सीनरी कितनी प्यारी हो रखी है, विजुअल देखो। सनराइज हमारा जस्ट अभी हुआ होगा, 10:15 हो रहा है, और जस्ट अभी से मेरा मतलब कुछ घंटे है भाई, ऐसा नहीं कि कुछ मिनट पहले हुआ होगा। 9 कौन सा सनराइज होता है भाई। तो गाइस यहां पर देख सकते हो ICF वर्सेस LHB पैरेलल रन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन में, कौन अपने ही जलवे में एंट्री करेगी। चलो इस वाले हर्ट को ऑफ करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं। ये ट्रेन गाइज आपको याद होगी जो हमारे राइट हैंड साइड पे है, कोई AC एक्सप्रेस जो अराइव कर रही थी स्टार्टिंग में, ये वही खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे लगाई है शायद। सीरियसली यार आज का ना मतलब सिनेरियो तो अलग ही लेवल पे है। तो आज की वीडियो में भी मैं तुम सभी से यही कहूँगा कि बड़ी स्क्रीन पे देखो और फुल AC पे देख सको तो देख लो। अगर किसी का चोरी किया हुआ वाईफाई है तब तो डेफिनेटली देखो। WDG4 थोड़ा भाई तुम भी हॉर्न बजाते रहो, क्योंकि शंटिंग कर रहे हो तो तुम्हारा हॉर्न बजाना बनता है थोड़ा। तो गाइस अपनी ट्रेन को यार ऑलमोस्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, और मुझे नहीं पता मैं सीढ़ियों में कैसे आ गया। वैसे सीढ़ियों से देख रहे थे क्या बढ़िया यहाँ पे सीन मिल रहा था, बट मैं सीढ़ियों में नहीं जा रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे ट्रेन को प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पे लगाना है। देखो यार एक से एक डिटेलिंग रहती है इस गेम में, MSTS में बस वो डिटेलिंग में थोड़ा पीछे हो जाता है। मतलब जिस तरह से 3D पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलता है ना मॉडल्स का इस गेम में, वो MSTS में प्रॉपरली नहीं मिल पाता। इसमें लगता है कि हाँ यार कुछ दमदार चीज़ है। तो भाई रेलवर्क्स में मैं कहता हूँ उसको 30-40 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वहीं जहाँ MSTS को 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं। बट दोनों गेम अपनी जगह भाई बहुत ही सही हैं, और वो सब ठीक है, लोको पायलट थोड़ा सा पीछे भी ध्यान दो। अच्छा ये देखो यार इस रूट में ये भी कुछ दिक्कत है, ये मेरा जो प्लेटफॉर्म में भी गायब हुआ था ना गाइस, वो यार इस रूट की एक प्रॉब्लम है। अब वो मुझे नहीं पता ये कब फिक्स होगी, बट मैं ना यहाँ पर अपने पूरे ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ। और अब चलते हैं आगे प्लेटफॉर्म को भी देखते हैं कि मैं अपनी ट्रेन को किस तरह से प्लेटफॉर्म पे लगा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो गाइस एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे आके मैंने अपनी ट्रेन को लगाया है, जो डिस्टेंस है आगे देखोगे तो प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट सेम है पीछे प्लेटफॉर्म एंड के। तो भाई इस ट्रेन को तो हमने यहाँ पे लगा दिया, कोई वैसा टास्क नहीं है, मुझे किसी ने कहा नहीं है कि तुम्हें इस ट्रेन को यहाँ पे लगाना था, वो तो भाई अपने मन की चल रही है। अभी किसी ने आके देख लिया ना तो मैं नहीं जानता, तुम साथ में बैठे थे, तुम दोगे भाई गवाही। ये वाला गाइस सिग्नल हमें मिल जाएगा, इससे पहले देखो मेरे पास कोई सिग्नल नहीं था, जब से मैं यार्ड से बाहर आया हूँ वॉशिंग लाइन से मेरे पास कोई सिग्नल नहीं था, बट ये वाला है। तो अभी हम भाई स्टेशन मास्टर की विंडो में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारी ट्रैक कहाँ जा रही है। सेंटर प्लेयर पर क्लिक करते हैं और मेरी गाइस ट्रैक जा रही है यहाँ पर। चलो हम अच्छी खासी ट्रैक पर हैं, और इस पॉइंट को भी मैं चेंज कर लेता हूँ, कभी क्या पता ब्रेक से भाई हाथ थोड़ा। अरे यहाँ देखो यार मेरे को सिग्नल दे दिया गया है, देख रहे हो पूरा आगे का क्लियरेंस है तो सिग्नल हमें मिल गया। अभी मैं वापस से ट्रैक चेंज करके दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा ट्रैक चेंज। यार ये तो अब अरे क्या बात है यार, ये ट्रांजिशन देखने मिल गया भाई आज वीडियो में, मज़ा आ गया यार आज तो, जबर गेम प्ले हो गया। तो चलो गाइस उस ट्रैक को चेंज नहीं करते, शंटिंग कर रहे हैं तो शंटिंग सिग्नल लूँगा मैं थोड़ा इज्जत से,
टैप प्रेस करते हैं और ये देखो रिक्वेस्ट टू पास सिग्नल एट डेंजर या डिनाइड। भाई ऐसा मत करो यार, ये तो डिनाइड कह गया यार, तुमने तो यहाँ पे इज्जत उतार दी अपनी। तो गाइज ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता, और जबकि ट्रैक भी मेरा है यार। तो चलो अब मैं इसे येलो कर दूंगा। अब तो दोगे, अब तो मुझे मेन सिग्नल मिल चुका है रेलवर्क्स, अब तो तुम जाने दोगे? तो WDG4 तुम आओ भाई, यहाँ तुम्हारे भाई ने भाई अपना सिक्का चला दिया है, हॉर्न बजाओ और आगे आ जाओ। और लोको ब्रेक्स मुझे पता है मैंने रिलीज़ नहीं किए थे और पावर लगा दी थी। वैसे गाइस ये देखो यार, ट्राई कलर WDG4D क्या शानदार लग रहा है। और थ्रॉटल पावर को अब यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ, 14 की स्पीड मैंने कवर कर लिया अपने WDG4 के साथ। भाई WDG4 देख यार, शंटिंग नहीं मिल रहा था बट यहाँ तो मेन सिग्नल मिल चुका है अब। तो गाइस चलो अब पीछे तक चलते हैं यार अपनी लोकोमोटिव के साथ। ये हमारा गिनते रहना भाई कौन सा पैरेलल चल रहा है। यहाँ यार मैं अपने लोको को आगे लेके जा रहा हूँ और उधर ये LHB ट्रेन कौन सी है मुझे नहीं पता, ये तुम गेस कर सकते हो। क्या बात है यार, ट्रैक साउंड सुन रहे हो? ये आई थिंक मेरी ही इम्प्लीमेंटेड थी इस LHB एसेट में। और आई थिंक गाइज अब मैं अपने ब्रेक्स को ना यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिस ट्रेन को अभी कपल करने के लिए जाना है ना, उस लाइन पर जाने के लिए जो स्विच है वो मैं पास कर चुका हूँ। तो चलो अपने लोगों को यहीं पर रोक लेते हैं। जैसे कि यार मैंने अभी पता है कि इस रूट में गए सिग्नलिंग वर्क पूरा प्रॉपर नहीं किया गया है। तो ये देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जो रेक खड़ी हुई है उस पर हमारे पास ट्रैक मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे अपना लोगों, रिवर्सर मैं रिवर्स में डाल देता हूँ। और भाई LHB देखो गाड़ी प्रॉपर यार रेलवे स्टेशन, ओ भाई गायब हो गए। अब ये कहोगे कि ये क्या हुआ, ये मैजिक हुआ। आगे ना गाइस पोर्टल है यार, इस रूट के क्रिएटर ने बहुत ही क्लोज पे जाके ये ट्रैक्स को एंड किया है, तो मुझे पोर्टल वहीं देना पड़ा। तो अब रेलवर्क्स भाई यही करता है, पोर्टल पे गाड़ी जाएगी और एकदम गायब हो जाएगी। तो चलो उस बात पे हम चर्चा करते रहेंगे, अपने लोगों को मैं पीछे लेके चलता हूँ, वरना क्या फ़ायदा यार तुम लोग ना यहाँ पर और थोड़े काले जादू वगैरह देखो। तो गाइस चलो वापस चलते हैं अब अपनी LHB ट्रेन पर। अभी तो हमने ICF को शंट किया और अब टाइम है LHB को शंट करने का। और एक ही ट्रेन के LHB में पहली बार ऑपरेट करने वाला हूँ अपनी किसी वीडियो में। ये देख रहे थे गाइस, प्लेटफॉर्म गायब हुआ था बट अब वापस आ गया। और जो इस रूट के क्रिएटर हैं उन्होंने यार मुझे ये भी बताया था कि आप ना अपना सीनरी का जो डिस्टेंस होता है कि कितनी दूर की सीनरी गेम को रेंडर करनी है वो मैक्स कर सकते हो सेटिंग। बट गाइस वो मैंने करी थी ना, तो भाई मेरा FPS थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉप हो रहा था। मैंने कहा भाई मुझे मैजिकल प्लेटफॉर्म चलेंगे, गायब होने वाले प्लेटफॉर्म चलेंगे बट FPS मुझे प्रॉपर चाहिए। गाइस कभी भी देखना रेलवर्क्स में ना 60 FPS पे भाई बहुत ही बढ़िया लगता है गेम प्ले। कहीं भी अगर वो 20 के अराउंड चला जाए ना एकदम यार मज़ा नहीं आता। वो ये भी नहीं कहूँगा कि वाहियात लगता है, रेल फैन हो के फिर तुम्हें अगर ट्रेन वाहियात लग रही है तो फिर क्या ही रेल फैन हो तुम। और चलो वो सब ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रेक्स को अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि पीछे देखो भाई रेक खड़ी है। मुझे पता है कि LHB को थोड़े झटके से कपल करना पड़ता है बट ज़्यादा झटका भी सही नहीं है, ज़्यादा झटका लगेगा ना तो फिर समझ लो क्या होगा। क्या बात है यार, गेम प्ले मतलब अलग लेवल पे है यार रेलवर्क्स। ये देखो गाइस डिटेलिंग, ये देख रहे हो यार LHB के जो ये EOG है, इसके मैं पीछे आ गया मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, इसके टेक्सचर देखो। AK ट्रेन्स की गाइस यही चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगती है यार, मुझे EMD की साउंड आ रही है कहीं से। तो गाइस कोई मालगाड़ी झांसी शेड के WDG4D के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइव कर चुकी है। भाई OP ट्रैफिक यार, कौन है कंट्रोलर, अलग लेवल पे चल रहा है वो भी। उस मालगाड़ी को गए उसकी सर्विस कंप्लीट करने देते हम, भाई यहाँ पर अपनी सर्विस पूरी करते हैं। ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं आऊँगा पीछे। ओ भाई तुम इस विंडो को ऑफ मत करो यार, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। ओ भाई भाई झटके से कपल हुई है, देखो ज़्यादा भी स्पीड में नहीं थी, प्रॉपर थी जैसे रियल में LHB को कपल किया जाता है, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। सो गाइस यहाँ पर यार अपनी LHB भी कपल हो चुकी है।
ये आज की हमारी वीडियो की लास्ट शंटिंग होगी जो कि मैं करने वाला हूँ। स्टेशन मास्टर की विंडो में चलते हैं और अपनी ट्रैक को हम यहाँ पर प्रॉपर कर लेते हैं। थोड़ा देखता हूँ मेरी लाइन कहाँ जा रही है। जी हाँ, जिस लाइन से मैंने ट्रेन निकाली थी उसी लाइन पर मुझे ट्रेन वापस लगानी है। तो चलो यार, हॉर्न बजाओ, पीछे चलो, थोड़ी सी पावर लगाते हैं क्योंकि भाई फिर से मेरे पीछे एक ट्रेन आ चुकी है। सुनो भाई, ये हमिंग सुनो ना, मज़े आए ना तो पैसे वापस। पैसे तो क्या ही वापस, तुम्हारा डेटा ही वापस हो सकता है, वो भी 12 बजे होगा, मैं नहीं दूंगा, जियो की तरफ से आएगा, अब जो भी तुम्हारा प्रोवाइडर हो, बट आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब ये मत कहना भाई प्लान एक्सपायर होने वाला है। चलो थोड़ी सी यहाँ पे पावर डाउन करते हैं और कैब में थोड़ा चलते हैं। भाई ये पंखा काम नहीं कर रहा, पता नहीं कैसी इसकी भाई ये लोग सर्विसिंग करते हैं। सो गाइस, उधर देख सकते हो वो मालगाड़ी अपना डिपार्चर कर चुकी है। थोड़ा सा यार मैं यहाँ पे थ्रॉटल को डाउन कर लेता हूँ। WTG4 अपने ये वाले हॉर्न बजा दे भाई। गाइस ये वाले जो हॉर्न की फाइल है ना, इसमें ना मैंने ओरिजिनल साउंड को यूज़ किया है, ये मैंने खुद जाके रिकॉर्ड करी थी। एक EMD ट्रेन ऑलमोस्ट डिपार्ट करने वाली थी और वो ऐसे हॉर्न बज रहा था उसका। मैंने कहा भाई यूज़ करूँगा तो इसी हॉर्न को यूज़ करूँगा गेम में, क्योंकि देखो यार कितना रियलिस्टिक साउंड कर रहा है WTG4 के ऊपर। अब शायद ये साउंड मैंने रिकॉर्ड WTP4D की करी थी, मुझे इस चीज़ पर कोट मत करना या उल्टे सीधे कमेंट मत करना कि भाई WTG4 में तुमने कौन सा हॉर्न यूज़ किया, पहले ये बताओ, क्योंकि रेलवेज भी ऐसा करता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भाई पीछे देखो यार कितना प्यारा गेम प्ले लग रहा है। अरे लेफ्ट साइड पे देखो यार, एक मालगाड़ी बहुत ही प्यारी स्पीड में डिपार्ट ले रही है और मैं कितनी प्यारी स्पीड में अपनी ट्रेन को पीछे लगा रहा हूँ। कोई कह देगा कि यार ये सीन इतना बढ़िया नहीं है। चलो मैं यहाँ पे शांत हो जाता हूँ, तब तो बोल सकते हो कि बढ़िया है। भाई आज पैसा वसूल जर्नी है, भले लगा कुछ ना हो। EMD की हमिंग इतनी प्यारी है और मैं अपना थोड़ा सा टाइम चेक करता हूँ, तो यहाँ पे 10:30 होने वाला है, 10 बजे मेरा ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ था। सो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है वो अराउंड आधे घंटे की हो जाएगी। और देखो जिस लाइन से हमने जो गाड़ी निकाली थी ना, शंट करी थी स्टेशन पर, उसी लाइन पर जाके मैं एक और गाड़ी लगा रहा हूँ। तो कहोगे कि नहीं आज के गेम प्ले में मज़ा आया, थोड़ा ज़ोर से कहना, अब ज़्यादा ज़ोर से भी मत कहना। अब देखो यहाँ पर WTG4 ज़ोर से कहेगा, एंजॉय करो भाई हमिंग। ये देख रहे हो ये राइट साइड में यार, ये जो शेड टाइप है, आई थिंक ये कोचिंग डिपो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन का। और गाइस सीरियसली मुझे यहाँ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर ये लोकोमोटिव्स के लिए ट्रिप शेड हो तो आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, बट मैंने यहाँ पर कोचेस को खड़ा कर दिया। मुझे वो देखने से ऐसा लग रहा था यार कोचिंग डिपो है। मालगाड़ी की आवाज़ सुन रहे हो, कैसे ठकाठक कर रही है। तो चलो इस वाले हर्ट को तो मैं ऑफ ही कर देता हूँ, इसकी तो मुझे कोई नीड नहीं है। और ये छोटे मोटे ये जो वाइट लाइन्स हैं इनको यूज़ करेंगे। अरे यार मैं इस सिग्नल से अपना SPAD लेना भूल गया, नहीं सॉरी SPAD कह रहा हूँ, मतलब एक तरह से SPAD सिग्नल पास है डेंजर, जब अप्रूव करेगा गेम तो वही होगा SPAD होगा। बट इस गेम में ना, इस रूट में वो एक तरह से हमें एज अ शंटिंग सिग्नल हमें दे दिया गया है, वो ऐसे दिखता है। और WTG4 भाई तू थोड़ा हॉर्न बजाता रहे, क्योंकि मुझे सीरियसली नहीं पता पीछे कोई खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, मैं तेरे पास खड़ा हूँ तब से। गाइस थोड़ी सी मैं यहाँ पे पावर डाउन करके ना पीछे जाके देखता हूँ, क्योंकि देखो यार्ड में ना ये वॉशिंग लाइन्स जो हैं, इसमें आई थिंक सेकेंड लॉन्गेस्ट या पहली लंबी गाड़ी जो लगेगी एक प्रॉपर रेक, वो मेरी ही है।
अब ये बाकी किसने शंट करी है मुझे नहीं पता, मेरे से पहले कौन यहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, जो भी कर रहा था वो देखो मालगाड़ी हल्की हल्की स्पीड में यहाँ से डिपार्ट ले रही है। उसके पीछे भाई जो लोको लगा है ना WDG4 वो भी एकदम ओरिजिनल है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो पीछे भाई डेड एंड हमारे बहुत ही क्लोज आ रहे हैं। आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर WDG4 भी ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाने ही वाला है। और हम WDG3A से फिर से मिलते हुए, तो भाई थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी स्पीड में, हल्की हल्की स्पीड में इस ट्रेन को मैं यहाँ पर लगा चुका हूँ, लगाने वाला नहीं हूँ लगा चुका हूँ ऑलमोस्ट। ट्रेन को थोड़ा सा और पीछे जाने दो, थोड़ा थोड़ा करके ना भाई, पूरा पीछे मत कर देना बस। अच्छा ये देखो यार यहाँ पे जो सिग्नल है स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर है वो, ये ग्रीन हो रखा है। मेरी ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेने वाली है यार। वैसे गाइस बहुत ही प्यारी जगह पे आके भाई ट्रेन की स्पीड डाउन हुई है। अब देखो आगे आके देखते हैं ना, तो भाई EOG जो मेरे साइड का है, लोकोमोटिव के साइड का, वो लग चुका है ये वॉशिंग लाइन में। तो WDG4 आज का भाई सफ़र काफ़ी प्यारा रहा तुम्हारे साथ। अभी हम तुम्हें इस ट्रेन से डीकपल कर देंगे यार, मैंने तुझे आगे जाने को कहा नहीं, तू वैसे ही भाग रहा है, मेरे को छोड़ के मत भाग यार। तो चलो गाइस देखो आज का यार सफ़र इतना ही था, मालगाड़ी को जाने देते हैं। आई होप तुम सभी ने इन्जॉय किया हो, थोड़ा सा लास्ट पार्ट अपने कैब से तुम ले सकते हो, तुम्हारे लिए एक हॉर्न भी बजाता हूँ यार और बताओ। सो गाइस बताने यार वीडियो कैसी लगी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो कि मैंने शॉर्ट रखी है बट शंटिंग ड्यूटी ऐसी होती है। सो स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, मेरी वीडियोज देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहोगे मुझे बताना ज़रूर, मैं ट्राई करूँगा कि वो बना पाऊँ। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ अब मैं आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।